देखता है तो हो सकता है उसके लिए कोई रूल ना हो, लेकिन राजू जब आप लोग लड़ते हैं तब आपकी एहतियात का ध्यान आयोजक तो रखते होंगे, या आप खुद भी अपनी एहतियात का ध्यान रखते होंगे कि चोटें गंभीर ना हो, कम से कम कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि आप काफी समय तक फिर वर्कआउट ही ना कर पाए अगर ज्यादा इंजर्ड हो गए तो। देखिए, जब हम फाइट लड़ते हैं उस टाइम पे हमें हमारे चोट का ध्यान नहीं होता कि हमें चोट खाना है या चोट लगने वाला है या चोट लग सकता है। हमारा टारगेट एक ही होता है कि हमें जीतना है, तो जीतना है तो जीतना है। इसके लिए देखो, विदाउट इंजरी, ये सामने बाहर बैठे लोग ये कह सकते हैं कि प्री प्लान है, ये है वो, इसमें चोटें कम लगती हैं, बट एक बंदे को आप 10 फीट से ऊपर बोल के फेंको या बिना बोले फेंको, चोट तो लगना ही है। ये बाहर बैठे बंदे को पता नहीं लगता, जो अंदर रिंग के अंदर है ये उनसे पूछो कि चोट लगती नहीं लगती। चोट मेजर है और चोट लगनी है। एक काम करिए, आप तीनों आइए एक तरफ, आइए तीनों, और मैं अकेला यहां पर। आइए आइए, इन तीनों से मैं अकेला ये बातचीत जारी रखूंगा एक ब्रेक के बाद। तीन महाबली, तीन पहलवान एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, इन लोगों से बातचीत कर रहा हूं। ये बातचीत और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इन्हें आपने मारधार करते तो बहुत देखा है, एक दूसरे पर कुर्सी चलाते, एक दूसरे को गंभीर चोटें पहुंचाते या गंभीर चोटें खाते हुए तो देखा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या होती है, इन लोगों को कितनी तैयारी करना पड़ती है, चोटें कितनी असली होती हैं, ये फाइट कितनी असली होती है, जैसे बहुत से सवाल हैं आपके जिनके जवाब आज हमें राजू खान, प्रिंस और बिग बुली दे रहे हैं। बिग बुली जिनका नाम जीतू है, जितेंद्र कुमार है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि लोगों के जहन में, और जब मैं भी टेलीविजन पर इस तरह की फाइट, चाहे वो विदेशों में हो रही हो, देश में हो रही हो, जब देखते हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये सब प्लान्ड तो नहीं है, कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है। एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। राजू, पहले आपसे, आपको लग ये मतलब क्या इसकी तैयारी पहले की जाती है, स्क्रिप्टिंग की जाती है, या मेरे को खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे फ्री स्टाइल कहा जा रहा है वैसा फ्री स्टाइल? बिल्कुल, ये फ्री स्टाइल गेम ही है, और इसमें हमें अगर ये प्री प्लान है तो सिर्फ है सिर्फ स्टंट, जो हमें स्टंट सिखाए जाते हैं कि ये मतलब स्टंट ऐसे मारने हैं, रोप टॉप रोप से जंप मारना है या फिर सुप्लेक्स है या फिर बम मारना है, जो भी करना है बस यही सिखाया जाता है, और कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। ये दिस इज फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो वो उसकी ट्रेनिंग आपकी बकायदा होती है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ट्रेनिंग होती है और प्लान इसमें कुछ नहीं होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक जब कोई लैडर मैच होता है, लैडर मैच में जो लैडर पे चढ़ने के बाद कोई स्टंट होता है, कोई गिरता है, गिरने के बाद चोट पूरी की पूरी चोट लगती है, और एक नॉर्मल इंसान को तो वहां से आप गिर देंगे ना तो वो रोने लगेगा, और हम लोगों तो आदत हो चुकी है, हम लोगों को तो खैर स्टंट करने की आदत हो चुकी है हमें तो। आपको कोई उठा पाएगा? 150 किलो आपका वजन है। तो उठा तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि जब राजू भाई 200 किलो की बेंच मार सकते हैं तो ऑफिस से 150 किलो के आदमी को भी उठा सकते हैं, लेकिन ज्यादा करेगा। अच्छा, अभी तीनों भिड़े कि नहीं आपस? तो हम तीनों भिड़े नहीं है, और जहां तक आप कह रहे थे के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हम लोग स्टंट करते हैं। देखिए, स्क्रिप्टेड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज के स्क्रिप्ट वो होती है कि हमें एक फिल्म दी जाती है और हमारा है लाइव शो। सबसे बड़ी बात कि लाइव शो है, अगर हम स्क्रिप्ट ले भी लेते हैं, वन टाइम में हमें सब देख रहे हैं, हम लोग रिटेक नहीं कर सकते, और जो ऊपर जंप कर रहा है या स्टंट कर रहा है वो हम पे कह के नहीं कूदेगा कि मैं आप पे कूद रहा हूँ, पब्लिक के सामने वो चिल्लाएगा कि मैं आप पे जंप कर रहा हूँ, आप इस पोजिशन में रहो, आप मुझे कैच करो या फेंक दो, वो ऐसा नहीं कहेगा पब्लिक के सामने। जो हो रहा है वो लाइव शो हो रहा है, इसमें कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन इसमें बेसिक क्या होता है कि जो गिर रहा है उसे गिरने की तरीके और हमें कैसे अपने ऊपर उसको झेलना है, हमें आपको कम से कम किस तरीके से किस पोजिशन में कितनी इंजरी हो सकती है वो चीज हमें सिखलाई जाती है। तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि टेक्निकली थोड़ा सा आपको बचाते हैं कि इंजरी हमें कम से कम हो, लेकिन जो आप कह रहे हो कि स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट ही होता है। पर आप किसी के ऊपर गिर पड़ो तो फिर तो कोई आकलन नहीं कर सकता कितनी इंजरी होगी। अगर मुझे उस हद तक जाना पड़ा तो मैं चैंपियन बनने के लिए तो वो भी शायद कर जाऊं। वो दोनों, ये दोनों भाई आपके सामने होंगे तो भी? देखिए, रिंग के अंदर थोड़ा उलझाने वाला सवाल, ये थोड़ा बेल्ट का लालच बहुत बुरा है। कितने चांसेस है, कितने कितने मुकाबले खेलने आपको राजू, कितने मुकाबले खेलने, या क्या आपका फॉर्मेट रहेगा कुश्तियां लड़ने का?
सॉरी मैं समझा नहीं। कितने कितने मुकाबले होंगे या किस तरह का मुकाबला होगा आपका, कितना मौका मिलेगा आपको लड़ने का? ये जो अभी फाइट हमारी होने वाली है, बेसिकली ये ग्लैडर मैच है, इसमें 7 से 8 रेसलर एक साथ होंगे और एक बेल्ट होगा ग्लैडर के ऊपर जो टंग रहा होगा, वो जो कैच करके लेके आएगा मतलब वही चैंपियन बनेगा। अब उसके लिए तो सबसे लड़ना ही है। ये गले पे भी असर पड़ता है या कसरत का? नहीं नहीं, गले पे असर नहीं पड़ता है, बेसिकली मेरे थ्रोट प्रॉब्लम है, थोड़ी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है आपको। प्रिंस, अभी जैसा ये सवाल मैंने बिग बुली से बार बार पूछा, लेकिन आपके सामने जब ये दोनों होंगे तो आप उतने ही खतरनाक रहेंगे, उतने ही गुस्से में रहेंगे जितने आप बाकी लोगों के सामने रहते, क्योंकि मुझे पता है अभी इतनी देर में मैं समझ गया कि ये दोनों आपके लिए बड़े खास हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए नहीं कि इस शो में आपके साथ हैं, बट मैं आपकी केमिस्ट्री देखकर समझ गया हूं कि आप तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो अगर ये दोनों भी सामने होंगे तो उतने ही खूंखार रहेंगे, उतना ही गुस्सा रहेगा जितने की आप बात कर रहे थे? जी, रिंग में जाने के बाद दिमाग गुस्से से भर जाता है, उसमें ना कोई भाई है ना कोई दोस्त है, सिर्फ चैंपियनशिप जीतनी है तो जीतनी है, दिमाग एक जगह होगा, सिर्फ चैंपियनशिप बेल्ट की तरफ। तो कल तीनों आप लोग बेल्ट की तरफ भागने वाले हैं? जी, मैं भी इनकी इसी डायलॉग का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भावना थी कि एक भाई है एक दोस्त है, लेकिन इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है और मुझे रिंग के अंदर फाइट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। रिंग से बाहर दोस्त है, भाई है, लेकिन रिंग में कोई दोस्ती नहीं। बट धीरे धीरे मामला गर्म हो रहा है, यही शुरू ना हो रिंग में कोई दोस्ती नहीं, देखेंगे वो रिंग में जब आएंगे, जब आमना सामना होगा। अच्छा, आपका फेवरेट पहलवान कौन है अभी इस पूरे कॉम्पिटिशन में, आपके अलावा, अपने अलावा? ये हमारे गेम में, आपके गेम की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे गेम में देखिए हमारे पास जितने भी पहलवान है सब अपनी अपनी जगह अपने अपने लेवल पे बहुत टॉप के हैं और सारे हमारे लिए फेवरेट हैं, सारे हमारे लिए मतलब कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है जो फेवरेट है, जितने भी हमारे मतलब रेसलर है सारे हमारे लिए फेवरेट है। चलिए, आप में से कोई मेरे से पंजा लड़ाना चाहेगा? आप चूज करो आपको किससे लड़ना है। मुझे इस लायक समझा ये जानकारी, मैं बहुत खुश हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। शर्म के मारे जो रिंग के अंदर कुछ नहीं बोला था तो मुझे बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, दोस्त कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर गर्मा गर्मी सचमुच में क्या बोला हो गई। मैंने तो ये बोला था बस, रिंग में कोई भाई नहीं कोई दोस्त नहीं। छोटा है, छोटे की तरह रहे तू। अरे सॉरी, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये सारा गुस्सा ना आप बचा के रखो रिंग के लिए। सचमुच में ये झगड़ा हो रहा है? नहीं, बेसिकली ये रेसलर है, इनके अंदर तो गुस्सा नेचुरली है, आम बंदों के आगे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा। अरे अरे अरे, रिलैक्स। बस, मुझे लगता है शो यहाँ खत्म करना होगा, और सच बता रहा हूँ इतनी देर में मुझे ऐसा लगा एकाध पंच इधर ना आ जाए। मुझे आप इजाजत दीजिए, इनकी फाइट को एंजॉय करिए और कूल डाउन। भाई की तरह आए थे, मैं चाहूंगा भाई की तरह निकले। राजू भाई आपका बहुत शुक्रिया, बुली आपका बहुत शुक्रिया, प्रिंस आपका बहुत शुक्रिया, इस खास पेशकश में इतना ही प्लीज।